छह सात की पाठ्य पुस्तक वसंत में दी गई कविता एक दिन का पढ़ेंगे। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का 13वां पाठ है। इस कविता के रचयिता है कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंध जी। तो आइए हरिओंध जी के द्वारा लिखी हुई इस सुंदर कविता की शुरुआत करते हैं। कविता को शुरू करने से पहले कविता के भाव को जान लेते हैं। कविता का भाव यही है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें घमंड ना करने की सीख दी है या अभिमान ना करने की सीख दी है। कवि हमें यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि कई बार जब हम अपने अहंकार में डूबे हुए होते हैं तो हमारे आसपास होने वाली किसी छोटी सी घटना से हमें यह पता चलता है कि हमारा वह अहंकार करना एकदम व्यर्थ है, क्योंकि कोई छोटी सी वस्तु जिसको हम अपने जीवन में कोई मूल्य नहीं देते, जिसको अपने आगे हम नगण्य समझते हैं, कोई वैल्यू नहीं देते, वो भी हमारा बड़ा अहंकार तोड़ सकती है। तो कविता की सीख यही है कि हमें अपने ऊपर कभी भी अभिमान या अहंकार नहीं करना चाहिए। तो आइए कविता को शुरू करते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। तो कवि बताते हैं कि एक बार जब वे किसी बात पर अभिमान करते हुए घमंड पूर्वक अपने घर की मुंडेर पर या अपने घर की छत पर खड़े थे, तो क्या हुआ, अचानक दूर से हवा के साथ एक तिनका उड़ता हुआ आया और उनकी आंख में चला गया। तो अभी तक क्या हुआ था कि कवि अपने अभिमान में डूबे हुए अपने घर की छत पर खड़े थे, लेकिन अचानक हवा के साथ एक छोटा सा तिनका उड़ता हुआ आया और उनकी आंख में चला गया। फिर क्या हुआ, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। तो कवि आगे बताते हैं कि फिर क्या हुआ कि अचानक आंख में तिनका पड़ जाने की वजह से कवि झिझक उठे या बहुत अधिक परेशान हो गए। और फिर क्या हुआ, क्योंकि उनकी आंख में तिनका पड़ गया था तो आंख के क्या हाल हुए, आंख कैसी हो गई, लाल हो गई, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। तो आंख कैसी हो गई, लाल हो गई और दुखने भी लगी, यानी आंख में दर्द भी होने लगा। अब जब कवि की ऐसी दशा हो गई कि वे एक छोटा सा तिनका अपनी आंख से बाहर नहीं निकाल पाए और उन्हें बहुत अधिक दर्द हो गया या वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तो क्या हुआ, उनकी मदद करने के लिए अन्य लोग वहां पर आ गए और वे लोग क्या करने लगे, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, यानी कपड़े की छोटी सी पोटली। मूठ अर्थात होता है कपड़े की छोटी सी पोटली। तो लोग कपड़े की छोटी सी पोटली यानी मूठ बनाकर उनकी आंख को सेकने लगे। और फिर क्या हुआ, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। या थोड़ी देर पहले तक उनको जो अपने ऊपर बड़ा अभिमान और गर्व हो रहा था, वो सारा का सारा अभिमान, गर्व या घमंड जो था, वो दबे पांवों भाग गया। दबे पांवों भागना एक मुहावरा है, इसका अर्थ है कि चुपके से चला जाना या गायब हो जाना। तो क्या हुआ कि जब कवि थोड़ी देर पहले तक अपनी किसी बात पर घमंड पूर्वक छत पर खड़े थे और उनकी आंख में सिर्फ एक छोटा सा तिनका घुस गया और उस तिनके के घुसने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होने लगा आंख में, उनकी आंख लाल होकर दुखने लगी और अन्य लोग कपड़े की पोटली से उनकी आंख को सेकने लगे और इस प्रकार सभी परेशान हो गए। और तब कवि को यह समझ में आया कि उनका जो अपने ऊपर इतना ज्यादा अभिमान करना था या इतना ज्यादा घमंड करना था, वो तो सब कुछ व्यर्थ था, क्योंकि उनमें तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं थी कि वो अपनी आंख से छोटा सा तिनका खुद बाहर निकाल सके। तो उन्हें किस बात पर इतना घमंड है अपने ऊपर, उन्हें ये बात समझ में आ गई। फिर क्या हुआ, जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझ ने यों मुझे ताने दिए, ऐंठ ता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो फिर कवि कहते हैं कि जब किसी
ढब यानी तरीका। तो जब किसी तरीके से उनकी आंख से तिनका बाहर निकल गया तब जाके उन्हें थोड़ा आराम मिला। और फिर क्या हुआ, उनकी समझ यानी उनके विवेक या उनकी अंतरात्मा ने उन्हें इस प्रकार कहा, क्या कहा, एंटता तू किस लिए इतना रहा, तू इतना अभिमान किस लिए करता रहा या क्यों करता रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तेरे इस अभिमान को तोड़ने के लिए तो एक छोटा सा तिनका ही बहुत है, यानी एक छोटा सा तिनका ही काफी है तेरे बड़े घमंड को तोड़ने के लिए। तो आप